हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कन्वेंशनल पेपर में ही आया हुआ था और आपका जो IAS 2023 का था उसमें जो इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कर लिया था। केवल दो क्वेश्चन हैं वो बचे हुए थे, उसको भी हम दो लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 7th क्वेश्चन का पार्ट सी था। एक प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल है 0.5 मीटर डायामीटर का, जो कि ड्रिवेन किया गया किसमें, मीडियम डेंस सैंड में, सैंड में ड्रिवेन किया गया है अप टू 10 मीटर डेप्थ में, ठीक है। द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 3 मीटर डेप्थ बिलो द सरफेस, सरफेस से 3 मीटर बिलो है। और प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड जो कि आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डेल्टा दिया हुआ है, कॉफिशियंट ऑफ लेटरल जो आपका KP आप बोलते हो वो आपको दिया हुआ है, सेचुरेटेड यूनिट वेट दे रखा है, और यूनिट वेट ऑफ सैंड एबव ग्राउंड वाटर टेबल, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ड्राई यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ द यूनिट साफ साफ रेसिस्टेंस रीचेज ए वैल्यू ऑफ 15 D, ठीक है, वेयर डी इज द डायमीटर एस्टिमेट, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका पाइल है, फ्रिक्शनल पाइल, ठीक है, फ्रिक्शनल पाइल ही है क्योंकि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस से आपको निकालने बोला है। ये आपका फ्रिक्शनल पाइल हो गया जिसका कि डायमीटर आपका कितना है, 0.5 मीटर का है, ठीक है। और इसका स्किन फ्रिक्शन से बोल पूछा है कि व्हाट विल बी द स्किन फ्रिक्शन, ठीक है, ऑफ द पाइल, ठीक है। स्किन फ्रिक्शन का अगर आपको फॉर्मूला अगर पता हो ना, कैसे निकालते हैं स्किन फ्रिक्शन, तो QS लिखते थे और इसको हम लिखते थे यूनिट स्किन फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड विथ एरिया। एरिया क्या होता था, सर्कमफेरेंशियल एरिया, ठीक है, तो AC से मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। QC देखेंगे तो ये यूनिट स्किन फ्रिक्शन होता था, ठीक है, ये क्या होता था, यूनिट स्किन फ्रिक्शन, ठीक है। और यूनिट स्किन फ्रिक्शन को अगर देखेंगे ना, तो वो कुछ ऐसे होता था कि आपका टॉप से ये इंक्रीज करता जाएगा और फाइनली एक डेप्थ आने के बाद ये क्या होता था, रिमेंस कांस्टेंट हो जाता था, ठीक है। ये आपका डेप्थ रीच करने के बाद इसका वैल्यू क्या होता था, रिमेंस कांस्टेंट हो जाता था। एंड दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू जब जहाँ तक ये इंक्रीज होगा उसके बाद कॉन्स्टेंट होगा, वो नियरली अबाउट 15 D to 20 D हम लेके चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि यू हैव टू टेक द वैल्यू एज 15 D, ठीक है। इसका मतलब ये हमें क्या लेना है, 15 D तक लेना है कि इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, देन आफ्टर इट रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो QS कैसे निकालते थे, QS अगर आपको याद हो तो वो निकलता था KP, ठीक है, या K आप बोल दीजिए, सिग्मा इफेक्टिव। यहां इंपॉर्टेंट रखना है, दिस इज द जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है ना उसका इफेक्टिव वेट आपको लेना पड़ता है, ठीक है, दैट शुड बी इफेक्टिव वेट, ठीक है। इफेक्टिव आपको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, दिस शुड बी इफेक्टिव, ठीक है, सिग्मा भी, और ये एवरेज, आपको एवरेज भी लिखा हुआ है, जो दो डिस्टेंस के बीच में आप लेंगे तो वो एवरेज भी होगा, ठीक है, इनटू टेन ऑफ डेल्टा, जो वॉल फ्रिक्शन होता है वो आपको लेना होता था, ठीक है, वॉल फ्रिक्शन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द QS, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ये इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस है ना, वर्टिकल स्ट्रेस, इसका वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होने वाला है। और इफेक्टिव स्ट्रेस वेरिएशन आपको पता है कि 15 D तक तो इंक्रीज करेगा, फाइनली ये रिमेंस कांस्टेंट होगा, तो ये कुछ वैल्यू यहाँ तक आएगा। देखिए सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वाटर टेबल देखेंगे तो वाटर टेबल आपका क्या है, ग्राउंड से 3 मीटर बिलो है, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन दिखा रहा हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस वेरिएशन, इफेक्टिव स्ट्रेस वेरिएशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 15 D, व्हाट इज द वैल्यू 15 D, तो LC मैंने कर दिया, दिस इज 15 D, और 15 × D का वैल्यू है 0.5, ठीक है, मीटर, तो ये क्या आ जाता है, 7.5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रेस आपका, अगर इसमें देखे तो देखिए, इसमें अगर देखे तो डेल्टा तो सेम ही रहने वाला है, K भी सेम रहना है, इसका मतलब यही वैल्यू है जिस पे ये क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब यही वैल्यू आपका कॉन्स्टेंट यहाँ तक इंक्रीज करता हुआ आएगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन लेंगे, तो देखिए
यहाँ तक तो ड्राई है, तो ये सिंपली आपका ये वैल्यू आएगा, एंड व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना होगा? आपको अगर पता हो तो 17 इसका था और 19 गामा सेट है। गामा सेट आपका क्या है? 19, और ये गामा आपका बल्क अगर आप लेके चले तो दिस इज द बल्क एंड दिस बल्क इज नथिंग बट 17। ठीक है, तो ये वाला अगर वैल्यू आपसे कोई पूछे तो ये आप बता देंगे गामा बल्क इंटू 3, तो दिस इज 17 इंटू 3 तो 51। इसका मतलब ये कितना हो गया? 51 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपका वाटर टेबल आ गया है, ये तो 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको कहाँ तक जाना है? आपको 4.5 मीटर और जाना है, क्योंकि 7.5 मीटर तक इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और 7.5 के बाद ये जितना वैल्यू रहेगा वही कांस्टेंट नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो 3 मीटर तक तो आ गए, 4.5 मीटर तक ये वैल्यू इंक्रीज करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्लोप होगा ना अब चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि अब जो वैल्यू है वो क्या हो गया है? इफेक्टिव यूनिट वेट आया है। इसका मतलब नाउ दिस इज द वैल्यू, अगर हम 4.5 यहाँ तक ले लेते हैं कि दिस इज द 4.5। ठीक है, तो ये वाला जो है ना स्ट्रेसेस कितना होगा? तो ये स्ट्रेसेस हो जाएगा गामा बल्क इंटू 3 प्लस गामा इफेक्टिव इंटू 4.5 होगा। गामा इफेक्टिव क्यों? गामा इफेक्टिव इसीलिए क्योंकि वाटर के नीचे है और वर्टिकल स्ट्रेस आपको क्या लेना होता है? ऑलवेज इफेक्टिव, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस आपको लेना होता है, इसीलिए दिस बिकम्स द वैल्यू। तो कितना हो गया? देखिए 17 इंटू 3 कर दिया गामा, समझ निकालना है तो 19 माइनस 9.81 करेंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4.5 से। ठीक है, सो व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस हियर? इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वैल्यू मुझे लग रहा है 92.36 के बराबर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम 7.5 तक रीच कर गए हैं, अब जो 10 जो नीचे का वैल्यू आपको दिख रहा है 2.5 मीटर, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रह जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी 92.36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ही बराबर होने वाला है। ठीक है, सो इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन देखेंगे तो हमारा कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे अगर देखें तो ये 51 है, यहाँ पे देखें तो ये 92.36 है, उसको 7.5 मीटर के बाद ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास 3 जोन बन गए हैं, जोन 1 बन गया है, जोन 2 बन गया है, जोन 3 बन गया है। तीनों जोन का जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होगा तीनों को जब ऐड कर देंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। जब आपको टोटल अगर निकालना है तो क्यू एस में टोटल लोड की तरफ से ही कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू एस वन प्लस क्यू एस टू प्लस क्यू एस थ्री। तीन जोनों का हमने फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं। अगर मैं जोन 1 की बात करूं तो कैसे आप निकालेंगे QS1? QS1 आपका निकलेगा जोन 1 के लिए, दिस इज नथिंग बट Q ऑफ S1 इनटू एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस फॉर जोन 1, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो Q ऑफ S1 क्या हो जाएगा? देखिए Q ऑफ S1 अगर आपको याद हो तो इसका वैल्यू होता है K इंटू सिग्मा भी इफेक्टिव का एवरेज वैल्यू लेना है, इंटू टेन ऑफ डेल्टा लेना है, और एरिया सर्कमफेरेंशियल एरिया क्या होगा? तो सर्कमफेरेंशियल एरिया होगा पाई इंटू डी इंटू एल। ठीक है, L1 जोन 1 का जो लेंथ होगा वो हम किससे शो कर रहे हैं? L1 शो कर रहे हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, K का वैल्यू 1 है, सिग्मा भी, देखिए सिग्मा भी का एवरेज अगर लेंगे तो क्या यहाँ से लेना पड़ेगा? टॉप पे आपका वैल्यू 0 है, बॉटम पे वैल्यू 51 है, इसका मतलब एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 51 बाई 2, यही होगा। ठीक है, तो हम रख देते हैं, क्या रख दिया हमने? 0 प्लस 51 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा? 10। डेल्टा का वैल्यू आपको दिया हुआ था 20 डिग्री, आपको दिख रहा है दिस इज 20 डिग्री, तो मैं क्या दे दूंगा? 10 ऑफ 20 डिग्री इंटू पाई दे दिया, डी का वैल्यू 0.5 है और L1 क्या है? 3 मीटर है। आपको आपको अगर दिख रहा है तो दिस इज 3 मीटर, तो 3 मीटर मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जैसे ही सॉल्व आपका होगा तो ये कितना हो गया? 51 बाई 2 इंटू 10 ऑफ 20 डिग्री इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 3। ठीक है, सॉल्व करिए और बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू। तो अगर देखें 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 51 गेट डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा? 2, और फिर मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका 10 ऑफ
दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 43.72 किलो न्यूटन। ठीक है, तो पहला वैल्यू आपने ऑप्टेन कर लिया 43.72। उसी तरह मुझे बताइए कि व्हाट विल बी क्यू ऑफ एस टू। क्यू ऑफ एस टू क्या हो जाएगा, क्यू एस टू इंटू एरिया सर्कमफेरेंशियल एरिया टू। अब अगर इसको निकालना है तो के तो आप लेंगे ही, ठीक है, के इंटू सिग्मा बी डैश इंटू टेन ऑफ डेल्टा इंटू पाई इंटू डी इंटू एल टू, यहाँ पे लेंगे के का वैल्यू वन, टेन ऑफ डेल्टा टेन ऑफ 20 डिग्री, सिग्मा भी इफेक्टिव क्या हो जाएगा जोन टू के लिए। तो देखिए जोन टू के लिए में क्या होगा, ऊपर में 51 है नीचे में 92.36 है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 51 + 92.36 गेट डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 0.5, और ये लेंथ क्या था आपका, ये लेंथ 4.5 था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 4.5 कर दूंगा। ठीक है, मैं सभी को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा दिस आंसर कम्स आउट टू बी 184.4 किलो न्यूटन। ठीक है, उसी तरह मैं क्या कर लूंगा, क्यू ऑफ एस थ्री निकाल लूंगा, डेट इज क्यू ऑफ 3 इंटू ए सी 3। ठीक है, और ये होगा क्या, तो ये देखिए ये भी हो जाएगा के ऑफ सिग्मा 3, जोन 3 का मैं इफेक्टिव ले रहा हूँ, और इंटू टेन ऑफ डेल्टा इंटू पाई इंटू डी इंटू एल थ्री। ठीक है, तो ये वन हो गया, ये हो गया टेन ऑफ 20 डिग्री, और इसके लिए अगर इफेक्टिव आपको निकालना है तो इफेक्टिव क्या है, ऊपर में भी 92.36 नीचे में भी आपका 92.36, तो ये क्या हो जाएगा 92.36 प्लस 92.36 गेट डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 0.5, और क्या है लेंथ 2.5। ठीक है, जब हम इससे अगर करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, ये वैल्यू आपका नियर अबाउट 132 किलो न्यूटन के नियर अबाउट आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आ गया तो आप क्या लिख देंगे, टोटल स्किन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, टोटल स्किन फ्रिक्शन इज इक्वल टू 43.72 प्लस 184.4 प्लस 132। ठीक है, जब सभी को ऐड कर देंगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 360.13 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर इतना आ जाने वाला है। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे।